अच्छा ये बताइए सबसे पहले यूपी से कौन कौन आया है? अच्छा आप अच्छा आप ही शक्तिमान है क्योंकि पीछे गैलरी में कौनू ऐसी पिचकारी मारा है, साला डिवाइडर ही बन गया, टिपी टिपी टॉक खेल के मुझे यहाँ तक आना पड़ा। बताइए अब आप भी सोच रहे होंगे आते ही कैसी भद्दी बात कर रहा है यार, पीक पिचकारी। देखिए भैया पीक में ना कोई खराबी नहीं होती, सिर्फ एक अंतर होता है कि वो एक कलर की होती है, और अनेकता में एकता यही हमारी पीक की विशेषता। और भैया अगर पीक अलग अलग कलर की होती ना तो कटरा से लेके दिल्ली तक हर थूकने वाला MF हुसैन से बड़ा चित्रकार होता, और ऐसी चार पांच पेंटिंग तो सुबह शाम दोपहर करके ही बन जाती। भैया तो हम ये बताते हैं कि भैया हम पैदाइशी तो कानपुर से हैं और रहते अभी हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में कहाँ रहते हैं ये मत पूछिएगा, क्योंकि नोएडा वालों से ना ऐसी बातें नहीं पूछते। अब देखिए नोएडा एक ऐसी सिटी है पूरे देश की जहाँ बच्चे स्कूल में नहीं सेक्टरों में घूम के ही गिनती सीख लेते हैं। ये पेशे से हम हैं रिटेल मैनेजर, लेकिन दिल्ली के लिए। यही बात आप कानपुर में किसी से पूछ लेंगे ना तो कहेगा कौन, अवस्थी जी का लड़का? अरे परचून की दुकान में नौकर है नौकर। और दिल्ली और कानपुर एक अलग सिटीज हैं। दिल्ली में होते हैं स्विमिंग पूल, आप स्विम करने जाते हैं वहां पे, और कानपुर में होते हैं तरण ताल, वहां लोग नहाने जाते हैं। और आप क्या पता चाची पकड़ बैठे कपड़ा भी धो रही है। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये दिल्ली में होती है मल्टीप्लेक्स, 5 सिनेमा घचाघच एक साथ चल रही है, और सारा कानपुर में भी होते हैं मल्टीप्लेक्स, लेकिन 2 में सिनेमा चल रही होती है और 3 में साला शादियां हो रही होती हैं। आदि सोचता है 300 की टिकट लो भैया खाना फ्री है। अच्छा उसी के नीचे होते हैं रिटेल स्टोर, और वहां ना ट्रॉलियां खड़ी होती हैं ऐसे लाइन से, वहां ट्रॉलियों में ना एक आंटी जी लगी होती है खींचते हुए, लेकिन ट्रॉली निकलती नहीं है। लेकिन हम भी कानपुर से हैं, जबरदस्ती करना हमारी आदत में है, हम भैया ट्रॉली निकाल ही लेते हैं। और जैसे ट्रॉली लेके आगे बढ़ते ना उनके पहियों से एक आवाज आती है, चू क्यों अबे नहीं क्यों। ये ट्रॉली लेके जैसे आप मॉल में घुसते हैं, भाई हवा इज्जत गार्ड आपसे नमस्ते, ऐसा आपको लगता है ससुर जी कहीं आ गए क्या आज? नहीं ड्यूटी अल्लाह लगता है। तो इसके जैसे ही आप अंदर बढ़ते हैं देखते हैं कई सारे फ्लायर्स लगे होते हैं, पैम्पलेट्स, मानो जैसे आपको ललचुआ रहे हूँ, 50% ऑफ, 70% ऑफ, ले 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 ले। और वहीं साइड में भैया आप भी ट्रॉली वहीं मोड़ते हैं जहाँ कटरीना ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है, ऐसे कर मानो पता नहीं कौन सी प्यास इस औरत को भिगानी है, खत्म ही नहीं हो रही, बचपन से हम बड़े हो गए। और वहीं साइड में आप जाते हैं 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाते हैं ट्रॉली में रखते हैं, और जैसे आगे बढ़ते हैं ना बोतल होते ना धम से गिरती है, और कहती बेटा घर चल घर चल, जैसे ढक्कन खोलेगा ना फरफरा के ऊपर तक जाऊंगी, पूरे घर का माहौल बनाऊंगी। अच्छा अब उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते ना बिस्किट का सेक्शन आप जरूर गए होंगे, और आप जैसे बहुत से ट्रॉली पहुंचते हैं एक बिस्किट उठाते हैं तब तक दूसरा बिस्किट भड़बड़ा गिर जाता है, 4-5 नीचे धड़बड़ गड़बड़, आप सोचते हो भाई क्या हो गया बे, और आप डर रहे होते हो, लेकिन असल में बिस्किट साले इतने हरामी होते हैं, वो पहले कहते हैं भाई तुम मर लो, तुम पहले बिक लो, तुम्हें साले बड़ी जल्दी है। उस ट्रॉली में अगर कोई जिंदगी के मजे लेता है ना मेरे भाई, वो लेता है 5 किलो का डिटर्जेंट का पाउडर जो सबसे ऊपर यूं बैठा होता है और यूं टाइटैनिक पोज दे रहा होता है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, और नीचे लेटा हुआ आटा वाला कहता भैया क्या हो गया, कह रहा भाई चलो गरीब हो सालों नीचे रहते हो। ट्रॉली में अगर किसी को जेट सिक्योरिटी मिलती है ना, वो मिलती है अंडों को, नीचे गद्दा ऊपर रजाई, अंदर बैठे होते सारे काइयां भाई, वो साले बात भी वैसे ही करते नेताओं टाइप की, और भैया फोड़ो हमें, हम फूटना चाहते हैं, और बेटा जब हम फूटेंगे ना बहुत जगह बनाएंगे और रास्ता दिलाएंगे भैया। अच्छा स्टोर में कस्टमर भी अलग आते हैं, मैं एक बार वॉक ले रहा था देखा एक लेडीज साइड में बड़ी परेशान से खड़ी है, मैंने पूछा क्या हो गया मैम, मे आई हेल्प यू, कि यस, मैंने कहा मैं बताइए, कि मैं मोटी तो नहीं लग रही, साला मोटी और डिमांड अलग, कहीं लेडीज सेक्शन में खड़े हो जाओ आप पूछो मैम क्या क्या दिखाऊं, बेटा सूट दिखाओ, मैम बताइए कैसा दिखाऊं, ऐसा दिखाओ कि पड़ोसन तड़प के मर जाए।
क्योंकि ये साला विनाशक साड़ियां कहाँ मिलती है, सूट कहाँ मिलते हैं भाई, तड़प के कौन मर जाए। और ये अगर मान लो उसको दे भी दे तो उसकी पड़ोसन को दूसरा पीस कहाँ से ला के देंगे, क्योंकि उसे पहला वाला तो पसंद नहीं आना है। कस्टमर भी अलग, हमारे चाचा पहुँच गए शॉपिंग करने, वहाँ जाके पूछे भैया कौनो बूसा डूसट हो तो दिखाओ यार। तो भैया उसने कहा भैया ये देखिए पीटर इंग्लैंड की है। कहने अच्छा, कहीं कितने की है? कहीं 3,000 की। कहीं क्या? कहीं इधर आओ। कहीं कौनो पीटर मियांगंज शुक्लागंज पीटर दिखा दो, लेकिन रुपया 150 ज़्यादा मत लियो। अच्छा एक बार कस्टमर आया, कह रहा भाई ऐसा कुछ दिखाओ जिससे ना भाई मैं अपनी बीवी को बराबर टक्कर दे पाऊँ। मैंने कहा है ना सर, लेकिन मेरी दुकान पर नहीं मिलेगा। तो कहीं कहाँ मिलेगा? मैंने कहा बगल में जाओ, क्वार्टर लो, पूरा टक्कर। स्टोर के अंदर मैनेजर्स पे सबसे ज़्यादा डंडा होता है, और हमारे जैसे मैनेजर वॉशरूम के दरवाजे पे लगा देते हैं पीछे के साइड कि बेटा फ्रेश होते वक्त जितना जोर यहाँ लगा रहे हो ना उतना फ्लोर पे लगाओगे तो साले टारगेट पूरा हो जाएगा। अच्छा स्टोर में सबसे लड़ाई कहीं होती है ना तो वो होते हैं कैश काउंटर, क्योंकि हर लेडी वहाँ पहुँच जाती है और आपसे कह रही होती है भैया कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। तो आप कह रहे होते मैम ये मल्टीनेशनल कंपनी है, हमारे यहाँ डिस्काउंट नहीं हो पाएगा। भैया प्लीज़ कर दीजिए, मैंने आपको बोला ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ नहीं हो सकता कुछ। तो कहती है अबे काहे की मल्टीनेशनल कंपनी है, न्यू ईयर पर कैलेंडर तो देते हैं नहीं, अब तो थैले का पैसा भी ले रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी है। थैंक यू।